देखा कितना प्यारा सनलाइट का व्यू आ रहा है। सो हेलो गाइस, मैं उस तो आप देख रहे हैं मिस्टर सर्किट यूट्यूब चैनल। अब ठीक है, सो गाइस आज की जो वीडियो है वो काफ़ी जो इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने सिनेमा घर ही यानी सिनेमा हॉल या आपके घर में ला कर ऐसी एक अमेजिंग चीज़ मैं आपको बनाना मतलब कि सिखाऊंगा कि जिससे कि आप मतलब कि फुल HD तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से कुछ ज़िंदगी में बनाऊंगे। तो गाइज आज हमने कुछ इस तरीके का ही प्रोजेक्ट तैयार किया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, यानी कि ये प्रोजेक्ट यानी कि फ़ोन के ऊपर काम करता है। इसको मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ भी माथा फोड़ी इसमें नहीं है गाइज। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके का, इसके पीछे PVC पाइप से हमने अटैच किया है, जैसा कि आपको मैं पूरी वीडियो दे दूंगा इसके बनाने वाली, ज़्यादा कुछ भी माथा फोड़ी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर एक PVC पाइप है, इसको अगर हम इस तरीके से ऊपर या नीचे करेंगे तो अंदर वाला पार्ट मूव करेगा। और यहाँ पर एक लगाया है एक बल्ब, जो कि एक नॉर्मल बल्ब है, आप देखिए बिल्कुल अपने घर यानी कि घर के अंदर यूज़ होता था पहले, अब तो यानी कि LED का यूज़ होता है, लेकिन पहले यूज़ होते हैं वो वाला बल्ब लेके आप बिल्कुल अच्छे से इसे तोड़ लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि चालू बल्ब लेना, क्योंकि हमने भी चालू लिया है भाई, हमें कहाँ ख़राब मिला। और अगर आपको ख़राब मिल जाए तो 10 रुपये नुकसान ही होगा। सो गाइस ख़राब मिल जाए तो ख़राब ले लेना, अगर अच्छा मिल जाए तो अच्छा लेकर इस प्रोजेक्ट को बना लेना। अब चलते हैं इसकी यानी कि किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइज यहाँ पर मैं बता दूँ, जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर हम लगाने वाला है एक फ़ोन का कवर। आप चाहे तो इसके ऊपर यानी कि कुछ इस तरीके से इसे बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर कवर के लिए दो साइड लगा सकते हैं, एक यहाँ पर कुछ भी पत्ती वगैरह लगा कर इसके लिए कवर को मोबाइल को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दो कवर ऑलरेडी मोबाइल के अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर कवर को ही चिपका देंगे। और फिर क्या है भाई, इस बल्ब में सीधे पानी डाल दो और यहाँ से पानी डाल दो और इसको ले चलो अंधेरे में और किसी वाइट बैकग्राउंड में। गाइस मैं आपको बता दूं, जो सिनेमा हॉल के बड़े बड़े पर्दे होते हैं ना, वो भी वाइट बैकग्राउंड पे ही काम करते होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर फ़ोन को रख देंगे और उसके बाद सीधे कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। सो गाइस मैं फटाफट आपको घर के अंदर ले जाकर इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर बाहर लेकर आता हूँ। सो गाइस अब आ चुके हैं हम हमारे घर के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन के अंदर हम हमारी वीडियो को प्ले कर लेंगे। यहाँ पर हम हमारी जो सोलर पैनल वाली वीडियो हमने बनाई थी उसको ही प्ले कर लेते हैं, और ऑफिस में इसकी जो आवाज़ है वो कम कर देते, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम लग सकता है। और कुछ इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे यहाँ पर गाइस, इसको इस तरीके से मोबाइल को रख देंगे, लेकिन उससे पहले मोबाइल की जो ब्राइटनेस है वो पूरी बढ़ा देंगे। सो गाइस देख सकते हैं अब हमारी वीडियो यहाँ पर चल चुकी है, अब लगा देते हैं इसको, और अब लगाते थे भाई इसको ऊपर से, और अब देखते हैं यहाँ पर। सो लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस अब देखिए क्वालिटी इतनी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस PVC पाइप को थोड़ा आगे की तरफ धकेलूंगा उसके बाद देखिए यहाँ पर, वाओ गाइस जो हमारा मतलब कि जुगाड़ है, एक तरह से इसे जुगाड़ ही कह सकते हैं, वो मतलब कि बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। और अब देखिए, लेकिन गाइस इसका जो प्रतिबिंब यानी कि जो चित्र बन रहा है वो बिल्कुल उल्टा बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उल्टा बनने का इसका मेन कारण ये है कि जो बल्ब के अंदर पानी है वो मतलब कि
कांच के अंदर के बाद रोटेट हो जाता है, यानी कि जो प्रतिबिंब होता है वो रोटेट हो जाता है, जैसे कि हमारी आंखें होती है वो भी उल्टा ही देखती है। इसके लिए आपको मिक्स प्लेयर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन गाइज अभी देखिए आप, इसके अंदर क्वालिटी है काफ़ी हद तक अच्छी आ रही है। अब आप देखिए, अगर मैं चाहूँ तो आपको इसके डायरेक्ट इसके सामने आपको फ़ोन दिखाना चाहूँगा, लेकिन ऐसे में तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा होगा। सो गाइस फाइनली आपने घर के अंदर का व्यू भी देख लिया। इसका जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा है, इसका व्यू आ रहा था। लेकिन गाइस अगर आप चाहे तो इसको थोड़ा यहाँ पर कोई भी यानी कि कांच का बल्ब या फिर कोई भी बंदी वगैरह थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, उससे आपकी थोड़ी क्वालिटी अच्छी आएगी। इसमें क्या है, थोड़ी क्वालिटी कम इम्प्रूव हो पा रही थी। तो गाइस अब भी देख सकते हो हमारा जो यानी कि प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर मोबाइल को रख दिया था और इस तरीके से इसको आगे पीछे कर रहे थे। और गाइस हमारा जो फ़ोन है, आप अपने फ़ोन के साइज़ से यहाँ पर इसकी साइज़ लीजिएगा। और बल्ब के अंदर आप अभी भी देख सकते हैं कि पानी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कि इसके अंदर अभी भी पानी है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और फटाफट जाके बनाइए अपने घर पे भी ऐसा ही प्रोजेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।